पर चुनाव होने हैं। इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। नामांकन दाखिल करने के लिए 13 मार्च को अंतिम तारीख तय की गई है। वहीं जिन राज्यों में मतदान की आवश्यकता होगी वहां पर 26 मार्च को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए राज्य में मतदान की नौबत आने की संभावना बहुत कम है और राज्य के कोटे की जो दो सीटें खाली हो रही हैं उनमें एक सीट से वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और दूसरी सीट से बीजेपी के रणविजय सिंह जुदेव राज्यसभा सदस्य हैं और दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से इस बार एक सीट पर भी बीजेपी की जीत मुश्किल दिख रही है। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं और फिलहाल इनमें से 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। अब बढ़ते हैं आगे।